करो, हमको परमानेंट करो। विश्वास का नाम 63 सालों से आपकी सेवा में। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, आपका विश्वास हमारी पहचान। तो पता याद रखिए, परकोटा चौराहा, सागर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बैतूल में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन के दौरान अपने आप को जंजीरों में बांधकर रैली निकाली और सीएम के नाम कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा और जमकर नारेबाजी की। यह कर्मचारी पिछले 11 दिनों से अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही, जिससे इनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बताया जाता है कि बीते दिन भोपाल में प्रदर्शन के दौरान संविदा कर्मचारियों को रस्सी में बांधकर जेल भेजा गया था, इसलिए इन कर्मियों ने इस तरह का प्रदर्शन किया। इस मामले में संविदा कर्मी विनय डोंगरे का कहना है कि संविदा कर्मी सरकार के द्वारा लाई गई संविदा नीति को लागू करवाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही भोपाल में संविदा कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस के द्वारा की गई कार्यवाही का भी संविदा कर्मी विरोध कर रहे हैं। वहीं संविदा कर्मी गोविंद साहू का कहना है कि जिस तरह पुलिस भोपाल में कर्मचारियों को पकड़ कर ले गई है, उस तरह हम लोग प्रदर्शन कर ज्ञापन देने आए हैं। ये संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी पूरे प्रदेश में विगत 9 दिनों से नियमितीकरण की मांग, और 2018 में मध्य प्रदेश शासन ने कैबिनेट से पास करके संविदा नीति लागू की थी, उस नीति का स्वास्थ्य विभाग में इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए लगातार 9 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। कल जब जेपी अस्पताल में भोपाल में धरना चल रहा था, उस समय माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का आगमन हुआ, और जैसा कि आंदोलनकारी कर्मी वहां बैठे हुए थे, मंत्री जी के आने से उनको थोड़ी सी आशा जगी और उन्होंने मंत्री जी से आवेदन निवेदन किया और मंत्री जी से मिलने का समय मांगा। उनके बीच कुछ बात हुई और बात होने के बाद मंत्री जी अपनी बैठक में जाके पुनः वापस जाने लगे। उस समय मंत्री जी से संविदा कर्मी मिले और मिलने के बाद मंत्री जी दूसरी गाड़ी से चले गए। उसके बाद मंत्री जी के जाने के बाद अचानक से पुलिस ने उस धरने से कुछ संविदा कर्मचारियों को उठाकर ले गया और उन पर 151, 107 और 116 के तहत कार्रवाई की, और इस कार्रवाई का जितने भी विभाग है पूरे समस्त विभाग पुरजोर विरोध करता है, क्योंकि संविदा कर्मचारी लगातार शासन की, और ये संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी थे जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी अपनी सेवाएं शासन को प्रदान की है, और बिगर किसी उसके अल्प मानदेय में अपनी जान की चिंता ना करते हुए भी उस समय सेवा प्रदान की गई है। और उसके बाद भी जब वह नियमितीकरण की मांग को लेकर 16 और 17 साल से काम करने के बाद अब खड़ा हो रहा है और जो शासन ने नीति पास की उस नीति को ही लागू करने के लिए कर रहा है, उस समय इस प्रकार की गिरफ्तारी करना और आंदोलन का दमन करना, यह लोकतांत्रिक देश में ठीक नहीं है। आज हमने एक सांकेतिक रूप से, कल हमारे कुछ साथियों की गिरफ्तारी हुई, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से जो हमारी नियमितीकरण की मांग है और जो संविदा नीति को अप्लाई करने की मांग है उसको लेकर के मंत्री जी से बात हो रही थी। उसके बाद कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा हमारे साथियों को गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई की गई। उसी के विरोध में हम लोग आज यहाँ पे जंजीर के माध्यम से, और जिस तरीके से उनको ले जाया गया, जैसे आदतन अपराधियों को ले जाया जाता है जंजीर से बांध करके और खुले रोड पर चला करके लेके गया है, कर्मचारी हमेशा ऐसे ही गांधीवादी तरीके अपना करके अपने आंदोलन करते आए हैं, और अभी हमारा जो आंदोलन चल रहा है वो भी गांधीवादी सिद्धांतों पर ही चल रहा है, और उसमें किसी तरीके की ऐसी बात नहीं हुई थी कि उनको इस तरीके से आतंक अपराधियों की तरह मतलब जेल ले जाया जाए। तो उसी के विरोध में हम लोगों ने आज जंजीर से बांध कर हमारे संविदा साथी आज माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम रहेगा। बैतूल से महेश चंदेल की रिपोर्ट, सागर टीवी। विश्वास का नाम 63 सालों से आपकी सेवा में। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, आपका विश्वास हमारी पहचान। डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी और सभी प्रकार की ज्वेलरी हमारे यहाँ उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। तो पता याद रखिए, परकोटा चौराहा, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9425172041, 8720042083।